रुको 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 भाई साहब, आप पकवान सेंटर पे काम करते हैं? जी जी, पकवान सेंटर पे काम करता हूँ। बिरयानी की एक देग आप कितने पैसों में पका के देते हैं? 4 किलो चिकन डाल के 15,000 रुपए की देग तैयार कर देंगे। अच्छा, ऐसा करो, तुम मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं तुमसे बाद में रابطہ करता हूँ। वो चला गया, जल्दी उतार इसको। भाई साहब, आपने बिरयानी की देग मंगवाई थी। भाई जान, इतनी देर लगा दिए, 1 घंटा रह गया इफ्तारी में से। आज भाई साहब उतारे अपनी देग। यहाँ से हाथ मुंह धो लें, बहुत गंदे हो गए हैं। चावल बहुत गर्म है, तब तक ये ठंडे हो जाए। Oh, no! देग कहाँ है भाई जान? देग कहाँ गई? उम्र सारी। ओ भाई, किधर है देग? भाई साहब, देख तो मैं लेके आया था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मुझे नहीं पता, मुझे अफतारी से पहले देख चाहिए, मेरे मेहमान है बैठे हैं अफतारी के लिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। रास्ते में जाके देखता हूँ, शायद कहीं गिरी पड़ी हो। ओए ओए, देख किधर गई भाई? अभी तो मैंने यहीं पे रखी थी। यहाँ पे रखी थी तो आसमान खा गया या जमीन निकल गई? यार कहीं यहाँ भूत तो नहीं है? भूत के बच्चे इतनी मुश्किल से उतारी थी, चल अब ढूंढे उसको। साला किसी ने गेम कर लिया लगता है। उठ जा अब। पूरा रास्ता छान मारा है, देख कहीं नजर नहीं आई। अब मैं क्या करूं? 15,000 रुपए का नुकसान मैं कहां से पूरा करूंगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज का टाइम हो गया, वजू करके नमाज पढ़ लेता हूं। यार एक तो तू हर जगह पे गिर जाता है, गिरे हुए इंसान। मुझे लगता है जैसे हमने उसकी देग उतारी है ना, हमसे भी किसी ने उड़ा ली है। देग ज्यादा दूर नहीं होगी, चल ढूंढते हैं। या अल्लाह मदद फरमा। हैं? ये तो वही देग है। यार ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, देग का नामो निशान तक नहीं मिला। कहते ठीक है यार, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। चल हम अपना नसीब ढूंढते हैं। भाई साहब, ये देख तो मेरे सर पे रखवाना। ये देख यहाँ कैसे पहुंची? अबे तू ये सोच, ये देख वाला यहाँ पे कैसे पहुंचा? भाई साहब मुझे जल्दी है, मेहरबानी करके ये देख मेरे सर पे रखवाएं। शुक्रिया भाई साहब आपका।